हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में दोस्तों। और ये वक्त है दोस्तों वीकली मार्केट अपडेट्स का, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हर वीक के समाप्ति के बाद दोस्तों हम एक अवलोकन करते हैं वर्ल्ड के जितने मार्केट हैं उनके मेजर मार्केट्स के इंडाइसेस का, और दोस्तों कमोडिटीज में हम इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड क्रूड ऑयल की एनालिसिस करते हैं, और साथ में दोस्तों करेंसी पेयर यूएसडी आईएनआर का भी अवलोकन करते हैं, ताकि दोस्तों हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए आने वाले सप्ताह के लिए, क्योंकि इसमें निफ्टी की जो इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों निफ्टी 50, उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्राइस एक्शन के द्वारा क्या पॉसिबल रेंज होने की संभावना है उसको कोरिलेट करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों इस सप्ताह के वीकली मार्केट की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद एनेबल जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्ड के प्राइस चार्ट से एनालिसिस की। ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है, और दोस्तों पिछले सप्ताह जब हमने इसकी एनालिसिस करी थी तो आपको याद होगा दोस्तों कि हमने पहला टारगेट जो प्रोजेक्ट किया था वो 1612 का था। उस समय गोल्ड करीब $1580 के आसपास में ट्रेड हो रहा था और नेक्स्ट टारगेट 1660 के आसपास में उसको बताया गया था और बुलिश व्यू दर्शाया था। गोल्ड ने वैसा ही परफॉर्म किया है दोस्तों, और ये अपने पिछले इंपल्सिव वेव के 100% एक्सपेंशन के करीब पहुंचता जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में हम एक इसमें माइनर पुलबैक दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी, जो कि कन्फ्लुएंसिंग एरिया है EMA 21 का, और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। तो 1580 से लेकर 1590 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है गोल्ड के केस में, और इसमें अभी काफ़ी अपसाइड हम आने वाले समय में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है दोस्तों। तो चलिए अब हम ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों लास्ट वीक की एनालिसिस को अगर याद करेंगे दोस्तों, तो उस समय पे ये बताया गया था कि प्राइस एक सपोर्ट एरिया के पास में है और उसके बाद में ये पुलबैक हमने देखा। अब दोस्तों ये ट्रेंड रिवर्सल है या पुलबैक है, फिलहाल तो ये पुलबैक नज़र आता है दोस्तों, क्योंकि ये अगर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, और फिर दोस्तों प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रही है। इसके बाद दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस हम यहाँ देख सकते हैं, ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया था। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है जो $61 के आसपास में नज़र आ रहा है, जो EMA 55 का भी कन्फ्लुएंसिंग एरिया है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों जब तक प्राइस ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर में डिसाइसिवली एंड $61 के ऊपर में डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करती है दोस्तों, व्यू अभी बैरिश है दोस्तों। लेकिन इसका अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों ये बैंड देखिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो $57 से लेके $57.7 तक, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम इसे एक $57 पर सपोर्ट बोल सकते हैं और $61 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का लाइकली रेंज यही होने की संभावना है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं USD INR के प्राइस चार्ट पर।
दोस्तों लास्ट वीक की एनालिसिस के दौरान हमने चर्चा किया था कि ये एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड हो रहा है जो 70.3 से लेकर 72.1 के रेंज में है। और दोस्तों लास्ट वीक में 72.1 तक जाने की संभावनाओं को दर्शाया गया था। प्राइस वहां पे पहुंच के देखिए दोस्तों फिर से रेजिस्टेंस लेती नज़र आ रही है। हम क्लियर कट डिमिनिशिंग मोमेंटम अपसाइड का देख सकते हैं और यहां पर इसके पहले भी मल्टीपल रिजेक्शन है दोस्तों। तो अगर हम इसका फिलहाल अपसाइड और एक और रेजिस्टेंस बैंड को जानने की कोशिश करें तो दोस्तों 72 से लेकर 72.2 का जो बैंड है ये एक सप्लाई बैंड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक इसको अगर प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ये इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट हम इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्राइस एक्शन के द्वारा एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की कोशिश करें तो ये देखिए दोस्तों ये 71.5 पर एक इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। लेकिन दोस्तों अगर इसका ब्रेकआउट ये अपर सप्लाई बैंड के ऊपर में हो गया, अगर ये 72.1 एंड 72.2 के टेरिटरी से बाहर चला गया अपसाइड में, तो हम इसमें फर्दर वीकनिंग देख सकते हैं। इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के प्रति वीक हो सकती है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टॉक मार्केट का एक व्यू लेते हैं। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन बेंचमार्क इंडेक्स है ASX 200, और पिछले सप्ताह में भी हमने इस राइजिंग चैनल की बात की थी दोस्तों, और ये कई सप्ताह से हम बात कर रहे हैं कि इस राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ने दोस्तों फिर रिट्रेस करके यहाँ पर सपोर्ट लिया और अभी दोस्तों प्राइस दोस्तों ओवरऑल व्यू बुलिश है दोस्तों। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, मार्कअप फेज में है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये अपर फाइबर जो इस राइजिंग चैनल का जो है दोस्तों प्राइस चैनल का, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल व्यू बुलिश है। चलिए अब हम यूरोपियन इंडेक्स पे चलते हैं। ये फुटसी 100 टॉप 100 यूरो टॉप 100 का चार्ट है दोस्तों। हमने यहाँ पे लास्ट वीक में दोस्तों इस रेजिस्टेंस बैंड की बात की थी दोस्तों, लेकिन प्राइस ने दोस्तों उसका ब्रेकआउट भी दिया था, इसकी भी चर्चा हुई थी, लेकिन दोस्तों प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थी और एक मीन रिवर्जन की प्रोसेस हमेशा मार्केट में जारी रहती है। तो हम देख सकते हैं इसने एक रिट्रेस किया और EMA 21 पे ये सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग एरिया भी है क्योंकि दोस्तों ये पिछली इम्पल्सिव वेव का अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो ये 38.2% पर रिट्रेस करके EMA 21 का भी सपोर्ट है। अगर इस राइजिंग ट्रेंड लाइन की बात करें तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन एक रेफरेंस ट्रेंड लाइन होगी और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी दोस्तों। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है। चलिए दोस्तों अब S&P 500 के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों S&P 500 के चार्ट पर अगर हम ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ एक एबरेशन है दोस्तों, यहाँ इसका इस जगह पे एक एबरेशन है जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, बट प्राइस सस्टेन नहीं कही और एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना और प्राइस फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई। तो फिलहाल दोस्तों ये सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है और अगर हम पिछली इम्पल्सिव वेव को देखें दोस्तों तो ये EMA 21 पे सपोर्ट ले रहा है एंड दोस्तों 38.2% का भी कन्फ्लुएंस है। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है दोस्तों। यस माइनर पुलबैक्स एक प्रोसेस है किसी भी मार्केट में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एशियन इंडाइसेस पर और ये है दोस्तों कॉस्पी का प्राइस चार्ट जो कोरिया का इंडेक्स है दोस्तों। हम यहां पर देख सकते हैं कि ये एक बुलिश टेरिटरी में है और दोस्तों
तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे हम सपोर्ट देख सकते हैं। तो और ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का भी एक सपोर्ट मिलेगा उसे दोस्तों, जो गोल्डन रेशियो है। और ये रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो हम इसमें डाउनसाइड मोमेंटम का लॉस दे सकते हैं और एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल व्यू सर्टेनली बुलिश है दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट के काफ़ी करीब है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब इंडियन इंडाइसेस को देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को। निफ्टी मिड कैप 100 का ये प्राइस चार्ट है दोस्तों। हमने पिछले कई वीक की एनालिसिस में एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद हमने एक रिवर्सल पैटर्न की बात की थी दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए इसने मल्टीपल बॉटम बना के डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया था दोस्तों। तो उसके बाद ये मार्कअप फेज में आ चुका था, जहाँ पर ये हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी दोस्तों। एंड दोस्तों ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल प्राइस एक मार्कअप फेज में है और ये ट्रेंड लाइन जो है एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस एरिया है। और हम देख सकते हैं प्राइस ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद दोस्तों एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल लुक बुलिश है दोस्तों और मिड कैप इंडेक्स बहुत अच्छा प्राइस चार्ट नज़र आ रहा है अपसाइड मूव के लिए। चलिए दोस्तों अब निफ्टी बैंक को देखते हैं, जो एक मेजर इंडेक्स है बैंकिंग सेक्टर का इंडिया से। तो दोस्तों इसमें हमने, आपको याद होगा दोस्तों, लास्ट वीक में इस रेजिस्टेंस की बात की थी दोस्तों। प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन दिखाया। तो दोस्तों ये फिलहाल दोस्तों प्राइस हम देखें दोस्तों, तो ये एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रही है। और नीचे की सपोर्ट लाइन को देखें, प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो दोस्तों अगर अपसाइड में ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो हम एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड में अगर ब्रेक किया तो दोस्तों ये रेंज इसकी नैरो होती चली जा रही है। हम देख सकते हैं पहले रेंज ये थी, अब ये रेंज हो गई है। तो ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है कि ये किस दिशा में ब्रेकआउट देगा दोस्तों, क्योंकि अपसाइड में इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों 31,300 पर। और नीचे में अगर डाउनसाइड में हम सपोर्ट देखें तो फिलहाल दोस्तों 30,200 पर एक सपोर्ट है। अगर दोस्तों अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो ये दोस्तों एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट होगा। आप देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर। तो अब ये देखना होगा दोस्तों कि बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक जिसे हम बोलते हैं वो किस दिशा में ब्रेकआउट देता है। फिलहाल रेंज बहुत नैरो नज़र आती है, जब तक एक डिसाइसिव मूव अपसाइड रेजिस्टेंस को तोड़े या फिर इस सपोर्ट को तोड़े दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम वाइडर मार्केट देखते हैं, इंडियन मार्केट, जहाँ पर हम निफ्टी 500 के प्राइस चार्ट पर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, आप देखिए ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। एंड फिलहाल दोस्तों प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस के पास में है और इस रेजिस्टेंस के पास में हम क्लियर प्राइस में रिजेक्शन देख सकते हैं, जो एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है। लेकिन दोस्तों ईएमए 21 के ऊपर में प्राइस ट्रेड हो रही है, इसीलिए दोस्तों ये देखना होगा इस रेजिस्टेंस को अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो इसमें भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर। तो दोस्तों इसे वॉच करना होगा। अभी इसके मूवमेंट के बारे में हम केवल इतना असेस कर सकते हैं कि एक नैरो रेंज में मूव करेगा, 9,800 पे से सपोर्ट है एंड अपसाइड में दोस्तों 10,040 पर इसे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट पर और बेंचमार्क इंडाइसेस की एनालिसिस करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आपको लास्ट वीक में याद होगा कि हमने रेंज की बात की थी दोस्तों कि किस रेंज में इसके ट्रेड होने की संभावना है और ये एक रेजिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा की थी। प्राइस का रिजेक्शन यहाँ देख सकते हैं, मल्टीपल यहाँ रिजेक्शन, और दोस्तों अगेन उस जगह पे जाके हम एक मोमेंटम लॉस दे सकते हैं और इनफैक्ट एक वन ब्लैक क्रो तो नहीं बोलेंगे, एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग टाइप के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन मल्टीपल सपोर्ट भी है दोस्तों, इसे अगर हम डाउन साइड में देखें तो 12,005 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम देख सकते हैं ये मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ सपोर्ट और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया जहाँ पे बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और ये SMA 89, EMA 55 मल्टीपल सपोर्ट है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल 12,000 पे 12,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये अगर पिछली इम्पल्सिव वेव का देखें तो 38.2% जो लेवल है वो आता है 12,005 पर दोस्तों। अब अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है दोस्तों तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका है 11,850, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं, तो इस जगह पे जाके इसमें एक डिमांड उभरना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ थी और इस मासिव फॉल के बाद में प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया जो पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना। सिमिलरली 11,850 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है दोस्तों। और अपसाइड में अगर हम बात करें दोस्तों तो फिलहाल ये आप देखिए 12,150 ये जो लेवल है, जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर नहीं जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जो लेवल 12,150 है और इसके बाद यहाँ प्राइस एक्शन देखें 12,200 पर दोस्तों इसका मल्टीपल रिजेक्शन देख सकते हैं, रादर हम इसे थोड़ा सा 12,002 इसे मैं करेक्ट करता हूं दोस्तों, 12,220 के आसपास दोस्तों, तो ये 12,220 पे हम इसमें, तो दोस्तों अपसाइड में एक सप्लाई बैंड है 12,150 से लेकर 12,200 और नीचे में सपोर्ट जो है दोस्तों हम इसे फिलहाल 12,000 पकड़ सकते हैं। तो अगले वीक में हम ये बोल सकते हैं कि संभावित रेंज जो है उसमें 12,000 एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और अपसाइड में हाईएस्ट रेंज 12,220 की नज़र आती है। तो दोस्तों ये तो प्राइस एक्शन हो गया, अब चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और ऑप्शन चेन के डेटा हमें क्या सजेस्ट करते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये एनएससी की वेबसाइट ओपन हो रही है दोस्तों, जिसपे हम ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे। तो दोस्तों ये एनएससी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई और हम देख सकते हैं स्पॉट मार्केट में निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस जो थी दोस्तों लास्ट वीक की वो 12,080.85 थी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पुट साइड को देखते हैं, तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप को देखते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों 27,24,450 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 12,000 स्ट्राइक प्राइस पर। तो दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि 12,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस भी उसी दिशा में इंडिकेट कर रही है। अब दोस्तों कॉल साइड में अब हम चलते हैं और कॉल साइड में ऑप्शन डेटा को देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए 53,71,875 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 12,200 स्ट्राइक प्राइस पे और नेक्स्ट हाईएस्ट है दोस्तों 12,150 पे। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर प्राइस एक्शन में देखें तो 12,150 से 12,220 का बैंड था वो सप्लाई बैंड है, तो दोस्तों ऑप्शन चेन भी उसी दिशा में इंडिकेट कर रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों, अगर आपको इस वीकली मार्केट अपडेट का एपिसोड पसंद आया है तो इसे थम्स अप दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों, फ्रेंड सर्कल के बीच में, सोशल मीडिया में इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। और साथ में दोस्तों, इस प्रोसेस में वो आपके और हमारे परिवार का हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने, जहां हम लर्न करते हैं, क्रॉस लर्न करते हैं और नॉलेज की दिशा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगले सप्ताह के लिए गुड विशेस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों।